आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम 30 घंटे बाद दिल्ली से गिरफ्तार। पी चिदम्बरम से सीबीआई की पूछताछ जारी, सीबीआई कोर्ट में पेशी आज। गिरफ्तारी पर बेटे कार्ति चिदम्बरम ने कहा, राजनीतिक बदले की भावना से हुई पिता की गिरफ्तारी, कांग्रेस ने गिरफ्तारी को दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या बताया। गिरफ्तारी से पहले कांग्रेस दफ्तर में पी चिदम्बरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा वो कानून से भागे नहीं है, सीबीआई और ईडी को शुक्रवार तक रुकना चाहिए था। दिल्ली में रविदास मंदिर तोड़ने को लेकर हिंसा भड़की, तुगलकाबाद में पत्थरबाजी में कई पुलिस वाले घायल, 100 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़, पुलिस ने भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया। कोहिनूर इमारत मामले में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे से ईडी की पूछताछ, मुंबई पुलिस ने एमएनएस के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के साथ चार थाना क्षेत्रों में धारा 144 लगाई। आज से 3 देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद UAE और बहरीन जाएंगे। हैदराबाद में अमेजॉन की दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, 15,000 कर्मचारी काम करेंगे। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच आज से एंटीगा में।